फ्रेंड्स, मैं वनिता प्रसाद। आज मैं आपको परफेक्टली आटा कैसे गूंथते हैं ये बताती हूँ। तो आइए देखते हैं। देखिए कितना शानदार आटा गूंदा है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि परफेक्टली आटा को कैसे गूंदे जिससे हमारी चपाती काफी सॉफ्ट बने। सबसे पहले हम लोग आटा लेंगे। आप आटा चाहे जितना भी लें। इसके बाद इसमें हम लोग एक चम्मच के आसपास ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे पहले। इसके बाद हम लोग इसमें गुनगुना पानी डालेंगे और इसे समेटते हुए गूंदते जाएंगे। एक ही बार ज्यादा पानी नहीं डालेंगे हम लोग। हम लोग समेटते जाएंगे आटा को और जो सूखा आटा है इसमें हम लोग पानी डालकर अच्छे से इसे मिलाते हुए गूंद लेंगे। आटा गूंदना बहुत ही आसान है जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही आसानी से आटा सानने का तरीका है मैं बता रही हूँ। बस समेटते जाना है और फिर दोनों हाथों से करेंगे तो और भी अच्छा आटा गूंदेगा। बहुत ज्यादा एक ही बार पानी नहीं डालें और ऐसे मुक्के से गूंदते जाएं। देखिए अभी भी इसमें बहुत क्रैक है। फिर बीच में ऐसे प्रेस करके हल्का हल्का दो चार बूंद पानी डाल के फिर ऐसे ऐसे दोनों हाथों से गूंदते जाएं और मुक्के से ऐसे ऐसे मारते जाएं और समेट समेट कर गूंदते जाएं। देख रहे हैं कितनी आसानी से ये आटा गूंद रहा है। फिर थोड़ी सी पानी डालें फिर गूंदें जब तक कि ये पूरा अच्छी तरीके से ये लचीला हो नहीं जाए तब तक हम लोग इसे बीच बीच में पानी डालकर गूंदते जाएंगे और इसे समेटते जाएंगे। ये आटा गूंदने के पूरे प्रोसेस में आपको 4 से 5 मिनट ही लगेगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे 4 से 5 बार आप अगर थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे तो आपकी आपका आटा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और आपकी चपाती बहुत ही मुलायम बनेगी। ये देखिए करीब करीब हमारा गूंद चुका है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल हम लोग बस हाथ में लगाकर इसको एक बार और हम लोग मल देंगे अच्छी तरीके से ताकि आटा गूंदने के बाद इसमें ऊपर से सूखे नहीं आटा। इसलिए हम लोग हल्का सा ऊपर से भी ऑयल लगा लेंगे। देखिए कितना शानदार आटा हमारा गूंद के रेडी हुआ है। इससे हमारी चपाती काफी सॉफ्ट बनेगी। अब इसे हम लोग 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह ढककर रख देंगे और उसके बाद हम लोग बनाएंगे
तो हमारी रोटी काफी सॉफ्ट बनेगी। 4 से 5 मिनट हो चुका है, आइए अपने आटे को देखते, देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। बस इसको ऐसे एक बार मिलाना है, उसके बाद ऐसे बर्तन में हम लोग रखकर फ्रिज में रख देंगे और इसे आप आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद आराम से इसको भी बना सकते हैं। इसे 4 से 5 घंटे तक आराम से इसे फ्रिज में रख सकते हैं। इसके बाद नहीं रखें, फिर फ्रेश आटा सान लें। गुन्ने का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।